हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं BCSL 022 यानी 022 का वाइवा जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चंस देखेंगे कि वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं जो कि पहले से एग्ज़ाम में पूछ रखे थे, मतलब एज़ यूजुअल ऐसे ही क्वेश्चंस दिए होते हैं। आप इसको देखो और इसको सॉल्व करो, बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना इसको, हल्का हल्का, मतलब एक 4-5 लाइंस के आंसर्स को लिखो ताकि आपके मार्क्स को प्रॉपर मिल सके, ठीक है। 13 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, बहुत इजी है। व्हाट इज़ द रजिस्टर विद एग्जांपल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर, मतलब ये एक दो क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चंस में हो गए। देन कि बाइनरी डेसिमल और हेक्सा डेसिमल और ऑक्टल क्या होता है, ये तो आप सब फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे, बट एक बार रिवाइज कर लेना। व्हाट इज सिक टाइम एंड लेटेंसी टाइम, ठीक है, इसको भी देख लेना। फ्लिप फ्लॉप क्या है, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, दो लाइन का डिफिनीशन है, उसको भी आप देख लो। एंड देन कि के मैप क्या होता है, इसका भी देख लेना। एंड देन डिफरेंस बिटवीन एस रैम और डी रैम, ठीक है, मतलब स्टैटिक रैंडम एसेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एसेस मेमोरी। देन हमारा है कि व्हाट इज़ द डाटा सेगमेंट ऑफ एंड कोड सेगमेंट विद एग्जांपल, डाटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और विद एग्जांपल इसको लिख देना। उसके बाद है कि असेंबली लैंग्वेज और इसके डेटा एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेना, ओके। एंड देन AH और AL रजिस्टर क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज़ N21H, उसके बाद है कि व्हाट इज़ कैसे मेमोरी एंड मूव इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। इन 13 क्वेश्चंस को कर लो, एग्ज़ाम आसान से निकल जाएगा और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो हैव अ ग्रेट डे, आई होप आप सबके एग्ज़ाम बेटर होंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताना जिसके जिसके एग्ज़ाम्स हैं और एग्ज़ाम्स बेटर गए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।